हेलो गाइस, थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एम एस वाइन स्कोट तुई ते। यार सॉरी, आज मेरे को सवेरे उठ के सुते उठते हैं वीडियो नहीं स्टार्ट हुई क्योंकि मैंने याद भुल गया सीगा तां स्टार्ट हुई ते काली काली दे विच निकले ते हुण वी मैंने बहुत जल्दी आ। ते अज दा साडा ब्लॉग हैगा आ कोट तुई टू अमृतसर। तुसीं फिल्म दा देखी होणी चंडीगढ़ टू अमृतसर, पर असीं अज करांगे कोट तुई टू अमृतसर। ते मैनूं अमृतसर बहुत जरूरी काम आ ते मैं चला थोड़ा जिहा काम दे नाल रिलेटेड अमृतसर। ते मैं हूँ आया हैगा अपने 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 बिग्गी स्टार दे कोल बाल सेट कराँ टैणे टैणे टैणे। ते हुण असीं करावांगे बाल सेट जग्गी दे कोलों। ते जग्गी जग्गी जान इधर इधर चल, हुण आपां बाल सेट करा लईए। चलो आपां बाल सेट करा के बाकी दा ब्लॉग अग्गे जाके बनाउणे दा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना क्योंकि सारे दिन दा ब्लॉग बनाउणा है। सुबह बाकी मिलते हैं बाल सेट करने के बाद बाकी। सो हैलो गाइस, बाल अपने हो गए है सैट। तो जग्गी ने बहुत मेहनत लगाई है बाल सैट कराने। तो जग्गी हुई थम दिखा दिखा रहे हैं कि सैट आ। सो तुम भी अपने हेयर कटिंग कराना चाहते हो तो साढ़े जग्गी भरा को जरूर करना, मतलब सीधा नहीं है ना थम। जो तुम भी कटिंग कराना चाहते हो तो साढ़े जग्गी भरा को जरूर विजिट करो एक बार। तो तुम एक बार विजिट करोगे तो खुद अपने आप ही आओगे कि आप कटाने ही जग्गी के कोलों। हैलो गाइस, पहुँच गए हैं जलंधर के बस स्टॉप पर। तो हूँ आप फड़ा इतों अमृतसर की बस से गाँव राखी थान मिल गए बाहर जाकर दिखावे। मैं जलंधर बस स्टॉप पर घूम रहा है तो हम जलंधर की सॉरी अमृतसर की बस देख रहे हैं। तो बाकी चलो जाते हैं बस के बच्चे थोड़ा व्यू दिखाने पड़ता जहाँ तो नाल दाल फिर थोड़ा रास्ते के बच्चे जिते भी गए थोड़ा सारा व्यू दिखाऊंगा। तो आओ फिर चलिए अमृतसर। सो गाइस, की हाल है थोड़ा सारे का। तो हूँ असं पहुँच गए अमृतसर बस स्टॉप से। इतने का हम कुछ थोड़ा जहा व्यू दिखाऊंगा तो उस तो बाद असं जावे आप हरिमंदर साहब गोल्डन टेंपल भी जाना है। तो पहले मैं अपना काम जोड़े आया वो नबेड़ के फिर अगे से अगे जावे। तो देख लो बस स्टैंड खड़े हैं। तो थोड़ा मेरी आवाज़ सुनने के लिए आई थिंक प्रॉब्लम आती होनी, मैं माइक लियाना भुल गया। सो पहले मैं अपना काम कर किधर मैं आया हुआ तो उस तो बाद मैं जाना है फिर गोल्डन टेंपल भी। तो थोड़ा जितने तक सारा कुछ दिखाऊंगा। हेलो गाइस, हूँ असं गोल्डन टैंपल में चाले पाले हैं। तो हूँ मैं गोल्डन टैंपल चलना है मत्था टेकन। तो उसे जिदा जिदा जो भी लोकेशन हुई जो भी व्यू है मैं थानू भी दिखाता रहूँगा। तो जिते भी जैकी कुछ भी आप घूमे जा सारी लोकेशन दिखाऊँगा। सो अपने को टाइम घट आ तो चलो बाकी उत्थे जाके बनाने। सो हेलो गाइस, तो हूँ मैं मत्था टेकन चलिया दरबार साहब के अंदर। तो हूँ अंदर तो मैं थोड़ा बाला नहीं व्यू दिखाऊंगा, बस अंदर थोड़ा जय करवाऊंगा दर्शन करवाऊंगा बस। अंदर कुछ होर नहीं मैं कुछ भी कहूँगा क्योंकि अंदर वीडियो बनाना खरे अलाउड होनी खरे नहीं जो हुई तो मैं थोड़ा ता ही तो बना के दिखाऊंगा जी। ठीक दरबार साहब जा रहे हैं तो हम इधर जोड़ा कर पहले जोड़े उतारा तो फिर दरबार साहब के अंदर आप इधरों एंट्री करा। सो चलो देखते अंदर जाके वीडियो बनती है थोड़ा दर्शन करवाना या कि भी है जी अंदर अलाउड होया तो जी करवाऊंगा। ठीक है, सो गाइस असी हरिमंदर साहब के अंदर एंटर होने लगे हैं तो थोड़ा अगे जाके दर्शन। सो आलो जी हरिमंदर साहब जी दर्शन करो वाहेगुरु जी। गाइस असी हरिमंदर साहब पहुँच गए हैं तो वीडियो बनाना अलाउड है तो अंदर सारे जने वीडियो बना रहे हैं। तो सो मैं चलो थोड़ा भी दर्शन करा दें। सो तुम भी साहब जी के हम असी भी जय करन जा रहे हैं। तो वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी। हेलो जी, सो गाइस हूँ फिर जय कर लीए तो फिर बाकी का व्यू थोड़ा बाद दिखाने। सो गाइस हूँ मैं हमने हमने बाबा जी के मत्था टेक के आया तो प्रसाद भी ले लिया जावे होर पास घूम बहर तो अंदर मत्था से जय कर लिए बाबा जी एक बार तुम भी दर्शन कर लो। सो हेलो जी, वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी। बाबा जी सब तंदुरुस्त रखियो तंदुरुस्तियाँ बख्शियो सरबंत का भला करो वाहेगुरु जी। सो चलो गाइस बाकी का व्यू मैं थोड़ा फिर बाहर जाके दिखाना है। सो असी मत्था टेक लिया बाबा जी ने। सो चलो चलते हैं बाकी। सो गाइस हमने असी जय करके आए हैं तो हूँ मन लगे हाँ तो जिले वाले बाग भी जाना। तो हूँ असी चले हैं
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਾਗ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਾਗ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਾਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰਸ਼ ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਲੋਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਾਗ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸੋ ਆਓ ਚਲੀਏ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਾਗ ਸੋ ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਾਗ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਜੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਟਰਮ ਨਿਕਾਲਣਾ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਵਿਊ ਹੋਇਆ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੋ ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਸਮਾਰਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਮਾਰਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਸਾਰਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਉਨਾ ਹੀ ਦੱਸੂੰਗਾ ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵਿਊ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੋ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵਿਊ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖੂਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖੂਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਊ ਸੋ ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖੂਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਲੋਜ਼ ਦਿਖਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਗਾਇਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਅਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੋ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਗਾਇਸ ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਬਲੋਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੋ ਗਾਇਸ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ 'ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸੋ ਹਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੁੰਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਅਲਾਊਡ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਆ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਗ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਘੁੰਮ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ ਇਹ ਹੈਗੀ ਗੈਲਰੀ ਥੀਏਟਰ ਅੰਦਰ ਉੱਪਰ ਆ ਉੱਪਰ ਫਸਟ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਸੋ ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿਊ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅਮਰਜੋਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਅਮਰਜੋਤ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਸੋ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਿਊ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ ਸੋ ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮੀ ਘੁੰਮੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਦਾ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾਈਟ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗਾਇਸ ਆਪਾਂ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਲੌਗ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਛੋਟਾ ਬਲੌਗ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਪਰ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੋ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਸੋ ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਆਪਣਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਨਰ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋ ਗਾਇਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਸੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਸਿੱਧੀ ਆ ਕੇ ਪਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਈ ਸੋ ਗਾਇਸ ਪਰਦੇ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਪਰ ਲਿਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਅਗਲੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਸੋ ਗਾਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੋਟਲ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਰੂਮ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਰੂਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਤਾ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ LCD ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ LCD 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੂੰਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਰੂਮ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਅਸੀਂ ਰੂਮ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਰੂਮ ਮਿਲਿਆ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰੂਮ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ
550-600 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੜਾ ਪੈਸੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਜ ਗਏ ਮੈਂ 550 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਲੇ ਮੰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਰੂਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੋ ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਮ ਤਾਂ ਦਿਖਾਤਾ ਆਪਣਾ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਿਖਾਣਾ ਭੁੱਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਆ ਸੋ ਚਲੋ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬੜਾ ਹੀ ਪਰਫੈਕਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ बाकी मैं बाहर जाके दिखाऊंगा जिदा भी है बाकी हम मिलते हैं सवेर रात का इन्ना ही अपना ब्लॉग बहुत है थकावटी बहुत हो सो के तो सवेर में फिर उठांगे तो फिर जावांगे घर नूं वापस या तो जे सवेर में भी कितने घूमन का थोड़ा बहुत बन गया तो घूम के फिर जावांगे सो काम अपना जो मैं काम आया सीगा अपने पर्दियां दे नाल रिलेटेड जिस मार्केट दे विच गया सीगा वो काम अपना पहला ही हो गया सीगा उधरों आपां टेंशन फ्री होके आए हुआ तो हूँ अपना बस थोड़ा बहुत घूमना तो सवेर में जाकर दुकान भी खोलनी है सो चलो यार ब्लॉग बहुत बड़ा है ना सो चलो सवेर में बाकी गल कर सो हैलो गाइज गुड मॉर्निंग सत श्रीकाल तुहानू सारयां नूं ते सवेर वाली सत श्रीकाल है नैक्सट डे वाली ते यार सॉरी मेरे को राती ब्लॉग नहीं बन सकया राती मैं इदां ही टीवी देखदा देखदा सो गया ते हुण भी टीवी इदां चली जांदा पिया आ ते मेरे को राती कदे ना कदे रूम दे विच लेट आया सीगा ते रोटी खाधी ते रोटी खाके तुहानू पता कुकी चढ़ी जांदी आ पंजाबियां नूं ते मैं फिर इदां रोटी खा के यार सो गया सीगा सॉरी यार राती मेरे को ब्लॉग नहीं बन सकया ते ना इस वेले सुते उठते बन सकया ते मैं हुण फिर फ्रैश हो के तां कपड़े चेंज करके ही फिर मैं ब्लॉग बनाया तो हूँ मैं क्या थोड़ा दस दिना तो मैं अपने हम रूम के कल लगा है जी चैकआउट तो मैं किया कल चैक इन इधर तो हूँ मैं अपने इधरों जाके रूम के फिर मैं जिथे भी गया रास्ते जिड़ी भी लोकेशन आई हूँ जाना सीधा घर नहीं है मैं तो बाकी जो भी लोकेशन आई मैं थोड़ा जरूर दिखाऊंगा व्यू जोड़ा भी आया तो हूँ आप घूमता ले आईए सब पास तो जोड़ा काम से वह भी अपने नबेड़े आए थे तो कल थोड़े टाइम पर काम वो अपने नबेड़ आए थे तो बाकी अपना घूमी घूमी दे टूर लगा तो नाल ब्लॉग बनता रहा तो हूँ मैं असं चलते हैं घर तो जिदा भी थोड़ा मेरा ब्लॉग वधिया लगे तो मैं दस दौ हैलो गाइस तो जे थोड़ा मेरा ब्लॉग वधिया लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल में सबसक्राइब करना ना भूलो तो जो थोड़ा मेरी अगे आने वाली वीडियो भी मिलनी रहने थोड़ा मेरी अगे आने वाली वीडियो तो मिलनी है जे तुम एक छोटा जहा बेल आइकॉन का बटन है तुम उत्ते क्लिक करोगे तो नाल मेरी वीडियो यार शेयर जरूर कर दिया करो तो सारे तक यह पहुँचती रहे तो थोड़ा जो मेरे ब्लॉग वधिया लगते हैं तो शेयर जरूर कर दिया करो तो नाल यार मैं डिस्क्रिप्शन के बच्चे ना अपनी हरेक वीडियो का कोई ना कोई लिंक पाया हूँ तो नाल मैं अपने काम न रिलेटड अपने यूट्यूब का दूसरा चैनल सैकंड चैनल बनाया तो वह भी पाया मैंने उत्थे जाके भी सबसक्राइब कर सकते हैं तो नाल मेरे काम दिया वीडियो भी अगर तो थोड़ा मेरे यार काम न रिलेटड भी वीडियो वजी लगता उन्होंने भी लाइक कर दौ जरूर दे नाल दी नाल यार वीडियो नूं शेयर करना ना भुल्लियो तो चलो चो बाय बाय टाटा ते हुण इत्थों आपां करदे आं बाहर जांदे आं ते निकलदे आं रूम दे विचों ते तुहानूं फिर सारे व्यू दिखाने जे कोई होर व्यू होया तां जे नहीं होया तां फिर घर जाके ते बस सत श्री अकाल करके बंदे ब्लॉग करेंगे एंड नहीं हजे कहन लगा एंड मैं घर जाके करूँगा सॉरी मेरे को कल थोड़ा दस मिनट मैं कि होटल में स्टे की थी तो आप जेपी होटल के रुके से मैं थोड़ा दस दिना तो तुम भी आए हो जेपी होटल तो वधिया है तो सगा आपां नूं फिर भी आपां नूं मिल गया सीगा रूम का प्राइस सीगा आपां नूं मैं थोड़ा राति दस 550-600 दे विच रूम मिल गया सीगा तो सोहना है तो वधिया है तो तुसीं विज़िट इत्थे जरूर करियो सो मैं तो कल थोड़ा दसना भुल गया सीगा किहड़ा सीगा तो मैं हुण तां ही निकलिया तो नाले थोड़ा दस्सिया तो आपां इस होटल दे विच मैं स्टे कीती सीगी सो चलो बाकी तां हुण अगे जाके लोकेशन दस दे तो ये दसी थोड़ा मैं भुल गया सीगा तो तां दसी इह वाली भी सो चलो चलते हैं हुण अगे घर नूं जां रस्ते जो भी आया सो हैलो गाइस तो हूँ असं घर वापस जा रहे हैं तो बहुत ही रश है हले भी कि इतने आते जाते रही पब्लिक तो इतने आ लो जी आज जलियाँवाला बाग आ गोल्डन टैंपल तो बहुत नेड़े ही आ तो जोड़े नहीं आए हैं तो उन्होंने चलो दस दें तो जलियाँवाला बाग थोड़ा मैं कल व्यू अंदरों दिखाते थे सो चलो हूँ असं घर वापस जा रहे हैं तो बाकी रास्ते दे विच जो भी व्यू है मैं थोड़ा सारा दिखाऊँगा सो चलो चलते हैं बाकी हम नैक्सट व्यू से तो व्यू तो घर जाना है जो भी है तुम मैं दिखाता जरूर जाऊँगा चलो बाय बाय टाटा सो नैक्सट टाइम बाबा सुख रखन बाबा जी तो नैक्सट टाइम बाबा जी सुख रखन तो आप फिर फैमिली के नाल भी आवेंगे तो हूँ तो मैं कम है तो कला आ गया नैक्सट टाइम फैमिली नाल यार दोस्तों के नाल फिर आवेंगे है ना चलो बाय बाय टाटा सो हेलो गाइस मैं अमृतसर तो जलंधर की बस फड़ी बस के बैठ गए हाँ तो सवारियाँ चढ़ रही हैं वैसे बस रोडवेज मिली है सानू कोई फायदा नहीं है लेडीज़ को किराया माफ है सानू तो बुरा ही लगना है
सो चलो चलते हैं जलंधर, तो बाकी रास्ते भी कोई बस से कोई व्यू है थोड़ा जरूर दिखाऊंगा। सो हैलो गाइस, असं पहुँच गए हम जलंधर के बस स्टॉप से, तो आप अमृतसर घूम आए हैं, तो कड़ा काम शुरू भी कर रहे हैं, तो हूँ बस घरू जाने की तैयारी है। तो मैं थोड़ा एक गल दसी नहीं, ना वीडियो बनाई पहला, तो मैं अपना बाइक लगाई हैगी बंगिया उसे स्टैंड से, तो उतो फिर बंगिया तो अपनी बाइक चकेंगे, तो फिर आप जावे घर, तो बाकी फिर उत्थे जाके ब्लॉग का एंड करा, उत्थे जा घर जाके देखते हैं। सो चलो आप जलंधर बस अड्डा द्वार भी दिखाता, सो चलो अभी मिलते हैं बाकी बाद। सो हैलो गाइस, असं पहुँच गए हम बंगिया मोटरसाइकिल स्टैंड से, जिते मैं मोटरसाइकिल लगाया सर, तो हूँ मैं इतों अपनी परची देकर मोटरसाइकिल चकूँगा, तो सीधा ही जाऊँगा घर। तो चलो आप ब्लॉग का एंड भी इतने करते हैं भाजी, एक मिनट होल्ड। सो गाइस, असं हम अपना मोटरसाइकिल अपने स्टैंड की परची हो गई, तो अपना हो गया मान लो भाजी परची, तो आ हो गया अपनी जलंधर टू अमृतसर, अमृतसर टू जलंधर। 1% 110 रुपये किराया लगता, जो तुम्हें जाना थोड़ा मैं किराया दसता है, तो तुम भी जो भी जाना, तो जलंधर तो उधर का है, इतने तो मैं एक टिकट घुमा चुकी। सो चलो मैं ब्लॉग का एंड इतने करता, तो आप बाकी घर जाकर देख रहे, तो मेरे यूट्यूब चैनल में बड़ा सबसक्राइब करना ना भूलो सारे जने, तो नाल ही नाल शेयर करना भी ना भूलो मेरे वीडियो में, जो थोड़ा मेरे ब्लॉग वधिया लगते हैं। तो चलो बाय बाय टाटा, तो इतने ब्लॉग का एंड करते हैं।